यहाँ पे लोग ना 7 बजे के पहले से बेचारे में आए हैं, कई तो यहाँ आगर में रात भी रुके हैं। लाइन से बचने के लिए, धक्का धूम से बचने के लिए लोगों ने अपने थैले कागज रख दिए, पत्थर रख दिए, क्या कर सकते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कब यूरिया मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कोई सूचना नहीं है। किसान सुबह से आके लाइन में खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं, कोई ठिकाना नहीं कि शाम को 4 बजे मिलेगा या 3 बजे मिलेगा। इसलिए लोगों ने अपने आधार कार्ड पत्थरों को रख दिया है, किसी ने अपने पावती रख दी है, किसी ने अपना आधार कार्ड रख दिया है, और वो लाइन में ताकि बाहर खड़े हो सके, वरना कब तक धक्का धूम खाएंगे। महिलाएं भी लाइन में लगी हैं, भीड़ में एक दूसरे को धक्के लग रहे हैं, इसलिए उन्होंने पत्थर रखकर, अपने डॉक्यूमेंट रखकर लाइन में खड़े इंतजार कर रहे हैं कि कब गाड़ी आएगी, कब ये गोडाउन खुलेगा, यूरिया मिलेगा। 7 बजे की लगी हमने सर, तो खाद तो मिले ही नहीं, खाद मिले हम लाइन लगा दें, सुबह के भूखे उबे हैं, चाय पीने के लिए जाते हैं, तो ये हमने पत्थर के नीचे मिल दिए, वो लाइन लगा दी सबकी। क्या चीज है ये? ये आधार कार्ड है और पावती की फोटो कापी है, ये दोनों लेते हैं जब तो देते हैं खाद, और खाद की बहुत परेशानी है, और हमको 8 दिन हो गए आते आते, खाद मिलने लग जाए तो मिलते मिलते आधे जने को मिले, आधे ऐसे ही रह जाने, फिर वापस चले जाते हैं, तो 8 दिन हो गया आता, अभी तक खाद नहीं मिला। खड़े रहेंगे वो, इसलिए उन्होंने अपनी जो जमीन की पावती है, अपना आधार कार्ड है, उन सबको रख के और लाइन लगा के धूप में खड़े हैं। सुबह से काम हो जाएगी, कब तक खड़े रहेंगे वो? तो उन्होंने जो पत्थर रख दिए, किसी ने आधार कार्ड रख दिया, किसी ने नाम लिख दिया, फिर ऐसे लगा के खड़े हैं। कई बार तो यूरिया मिलता ही नहीं, सुबह से आके शाम की 3-3, 4-4 बजे तक लाइन में लग के खड़े होकर वापस चले जाते हैं। कभी यहाँ बोलते हैं कि पुरानी मंडी में मिलेगा, कहीं बोलते हैं वहाँ मार्केटिंग में मिलेगा। खातर आ रहे, हम 8 दिन से आ रहे हैं, खातर मिलेगी कौन? जनता इतने दर्दो थे दे दे, बाकी का कहीं जाए खातर भी नहीं मिले, बाद का बाद सब चले जाए बाहर, फसल सब खराब हुई, गेहूँ की पानी बोले पानी पिला उसका भी सब पीला पड़ी है, परेशानी आई रही। लाइन लगा रहे, रोज लगती है लाइन, खाद तो कभी कभी मिलता है, रोज मिलता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, किसान बेहद परेशान है।